हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ बनाने के लिए जब हम कुछ गोल्स डिसाइड करते हैं तो उस पे वर्क करने के लिए हम कुछ प्रायोरिटीज़ भी सेट करते हैं। प्रायोरिटीज़ हर फील्ड के लिए डिफरेंट होती हैं और ये रिलेशनशिप में भी काम करती हैं, क्योंकि जिस भी रिलेशन के साथ हमारा कनेक्शन सबसे ज़्यादा होता है वो रिलेशन हमारी प्रायोरिटी बन जाता है। सो कैटेगरीज तो और भी बहुत हैं, बट हर एज ग्रुप और उनकी वर्क फील्ड के अकॉर्डिंग ये चेंज भी होती रहती हैं। बट क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो किसी और कैटेगरी की बजाय मैं अपने काम को ज़्यादा बेटर डिस्क्राइब कर सकती हूँ। मेरा मानना है कि हम वुमेन की लिस्ट में काम कभी ख़त्म नहीं होते, जितने कम होते भी हैं नेक्स्ट डे उतने और बढ़ जाते हैं। हमारी बॉडी और माइंड एक साथ वर्क करता है, मींस फिजिकल एफर्ट लगाने के साथ साथ हम मेंटल प्रेशर भी झेलती हैं। इसी बीच समझ में कभी ये नहीं आता कि अपनी डेली की वर्क प्रायोरिटीज़ किस तरह से सेट करें कि सब कुछ स्मूथली ही चलता रहे। और सब कुछ स्मूथली चलता रहे उसके लिए कई बार हम खुद को फुल डे बिजी भी रखती हैं। बट हर वक्त बिजी रखने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने काम को परफेक्टली कर रही हैं। कई बार हम फुल डे बहुत सारे काम करती हैं लेकिन ज़्यादा करने के चक्कर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाती हैं, और वो इसलिए क्योंकि हमें 2 या 3 डिफ़िकल्ट चैलेंजेस लेने की बजाय 10 ईजी टास्क करना ज़्यादा ईजी लगता है, क्योंकि वो हमारी हैबिट बन चुका है। इसीलिए डेली क्लीन एरियाज़ की क्लीनिंग करते रहना भी हमें अच्छा लगता है, जबकि वो टोटली यूजलेस है। टाइम और एनर्जी दोनों की वेस्टेज। इसीलिए मैं हमेशा टू डू लिस्ट बनाने पे जोर देती हूँ, क्योंकि लिस्टिंग आपको काम को ऑर्गेनाइज करना और टाइम लिमिट के अंदर करना सिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लिस्टिंग करेंगे तो अपनी क्लीनिंग को आप पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे, क्योंकि एक ही एरिया को डेली क्लीन करने की बजाय उस टाइम को किसी ऐसे ड्रॉअर या क्लोजेट को क्लीन करने में लगाएंगे जिसे आपने काफ़ी टाइम से क्लीन नहीं किया है। एनीवेज, मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस चीज़ को देती हूँ ये आप में से ही बहुत सारे लोग बता सकते हैं जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं। अगर आपने अंदाज़ा मेरी फिटनेस रूटीन को लेकर लगाया है तो यस, वो हमेशा मेरी टॉप ऑफ द लिस्ट होती है, क्योंकि मुझे अपनी हेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कभी कुछ लगता नहीं। मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही मैं हर काम को परफेक्टली करते हुए अपनी लाइफ को इंजॉय भी कर सकती हूँ। क्योंकि मेरे लिए प्रायोरिटी मेरी हेल्थ है, तो नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट बनाते हुए सबसे पहले मैं अपने वर्कआउट का टाइम सेट करती हूँ, क्योंकि किसी दिन वर्कलोड ज़्यादा होता है और किसी दिन कम, तो उसी के अकॉर्डिंग सुबह या शाम का कोई भी टाइम मैं अपने वर्कआउट के लिए लिख लेती हूँ। कुछ काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ काम नहीं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली अपने हर काम को रैंक करना चाहिए। अब इसमें सबकी प्रायोरिटीज़ अलग अलग होंगी, क्योंकि सबके घर में फैमिली मेंबर्स, नीड्स एंड एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। वो मदर्स जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं उनकी लिस्ट में प्रायोरिटी उनके बच्चों का लुक आफ्टर ही होना चाहिए, प्लस 15-20 मिनट्स अपनी हेल्थ पे वर्क करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कुकिंग के लिए प्रेपरेशंस करना उस वक्त जिस वक्त आपका बच्चा सो रहा है या वो खेल रहा है। हाउस क्लीन और डिशेस क्लीन के लिए कोई हेल्पर भी रखी जा सकती है अगर वो अफोर्डेबल हो। अदरवाइज खुद को ही स्ट्रेस में रखने से अच्छा है कि दूसरे फैमिली मेंबर्स की हेल्प लें। जब तक आपके बच्चे छोटे हैं तो काफ़ी काम पेंडिंग भी रहा करेंगे, सो डोंट बॉदर। टाइम के साथ साथ चीज़ें भी बदल जाती हैं और प्रायोरिटीज़ भी, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपके पेंडिंग होने वाले काम भी 1 by 1 कंप्लीट होने लगेंगे, क्योंकि आपके बच्चों को हर स्टेप पे आपकी उतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। सो जैसा भी टाइम आज है उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रायोरिटीज़ बनाएं। काम ख़त्म करने के चक्कर में अपने बच्चों को निगलेक्ट कभी ना करें, क्योंकि काम तो कभी ख़त्म नहीं होंगे लेकिन उनका बचपन एक बार गया तो फिर वापस नहीं आएगा। मेरे लिए मेरी हेल्थ के बाद सेकेंड प्रायोरिटी कुकिंग करना है। कुकिंग इसलिए क्योंकि हम ज़रा ज़रा सी बात पे बाहर से खाना ऑर्डर नहीं करते। मुझे कुकिंग करना अच्छा भी लगता है और दूसरे वो हेल्थ और इकोनॉमी वाइज भी सेफ है। मैक्सिमम टाइम मैं एटलीस्ट दिन के 2 मील्स एक साथ बना लेती हूँ, जिससे काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। एक दिन पहले मेरा नेक्स्ट डे का मेन्यू रेडी ही होता है, साथ ही उसके लिए ज़रूरी प्रेपरेशंस भी। बिना प्रेपरेशन कुकिंग करना आई थिंक डबल टाइम ले लेता है। सो प्लानिंग के साथ काम करने से आप अच्छा खासा टाइम सेव कर सकते हैं फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। कुकिंग के बाद लॉन्ड्री और क्लीनिंग भी फिजिकल वर्क में ही आते हैं, लेकिन इनको भी मैं डिवाइड करके ही करती हूँ। जिस एरिया को मैंने आज क्लीन किया है सेम एरिया को अगर नेक्स्ट डे ज़रूरत नहीं है किचन को छोड़ के,
तो उतना टाइम मैं किसी और ज़रूरी पार्ट को क्लीन करने में लगा सकती हूँ। डेली और वीकली मेरा क्लीनिंग पैटर्न मैंने बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग काम करने से सेम टाइम के अंदर ही वन बाय वन मेरे घर का हर एरिया मैं क्लीन कर लेती हूँ। लॉन्ड्री पार्ट भी इसी तरह से, किसी दिन वॉशिंग, कभी फोल्डिंग और आयरनिंग। क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हैं तो वो अपनी काफ़ी चीज़ें खुद मैनेज कर लेते हैं, इसी वजह से सब काम मुझे खुद करना ईजी रहता है और मैं खुद को काफ़ी एक्टिव भी फील करती हूँ। ह्यूमन के काम करने की कैपेसिटी कहीं कहीं ज़्यादा होती है, लेकिन क्योंकि हम अपनी एनर्जी को डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे वेस्ट करते हैं, तभी तो काम करते हुए हम काफ़ी वीक और बोरिंग फील करते हैं। सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए खुद को सोशल मीडिया पे बिजी रखने की बजाय अगर उतना टाइम हम बुक रीडिंग की हैबिट बनाएं, तो एनर्जी डिप्लीट होने की बजाय रिचार्ज हो जाती है और हमारा माइंड बेटर परफॉर्म कर सकता है। देर आर सो मैनी मोटिवेशनल बुक्स विच आई रीड। अगर आप चाहेंगे तो किसी वीडियो में मैं आपके साथ अपना न्यू बुक सेक्शन शेयर करूंगी। एनीवेज, कुछ चेंजेस और कुछ डेली वर्क्स को पेंडिंग करते हुए हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल हो जाती है कभी वीकली वेजिटेबल शॉपिंग, ग्रॉसरी शॉपिंग और एनी अदर शॉपिंग, और ये सब कुछ हमारे फिजिकल वर्क में ही आता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनको याद रखना पड़ता है, जैसे कि फी या बिल पे करना, एलपीजी बुकिंग और नियर्स एंड डियर्स को बर्थडे या एनिवर्सरीज विश करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सबको डेली अपनी लिस्ट में लिखने की बजाय डेट मेंशन करते हुए फोन पे रिमाइंडर लगाना ज्यादा बेटर रहता है, जिससे आपके माइंड का प्रेशर भी थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि माइंड पे जितना कम प्रेशर लेकर हम काम करेंगे, उतना ही हम अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकेंगे। सो बेसिकली आपको खुद ही जानना होगा कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, और अपने दिन को फिक्स करने और प्रोडक्टिव बनाने के लिए यू मस्ट हैव अ प्रायोरिटी लिस्ट। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, ना कि वो सिर्फ हाउसवाइफ्स के लिए है बल्कि सबके ऊपर वर्क करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास अपने अर्जेंट कामों की लिस्ट है जो आपको आज के आज या कुछ आवर्स में ही खत्म करने हैं, मींस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। लेकिन अगर उसी वक्त किसी और को आपकी हेल्प चाहिए तो आप क्या करेंगे, और हेल्प भी ऐसी जिससे आपका कुछ इंपॉर्टेंट काम सफर कर सकता है। सो एट दैट टाइम प्लीज से नो टू दैट पर्सन। दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, बट अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ के दूसरों का काम करना समझदारी कभी नहीं है। और एक बार नो कह देने का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप सेल्फिश हैं। वैसे भी हमारी सोसाइटी में ये रूल है कि अगर आप 100 टाइम्स यस कहेंगे और 1 टाइम नो कहेंगे तो दूसरों को बहुत हर्ट कर जाता है। लीव इट, अच्छाई का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता और चाहिए भी नहीं, क्योंकि दूसरों की हेल्प के चक्कर में अगर खुद का कुछ नुकसान कर बैठे तो वो हेल्प भी वेस्ट है। सो यू कैन से नो विदाउट फीलिंग गिल्टी। और अगर प्रायोरिटी लिस्ट बना के भी आप काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपनी डिस्ट्रैक्शंस को चेक करना होगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस के अडिक्ट होने से आप डेफिनेटली अपनी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करेंगे। आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, बट बिना फोकस आप अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सकते। आपको अपने बेस्ट आर्ट्स का भी पता होना चाहिए, जिनमें आप सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, सो उस वक्त आप अपने सारे मुश्किल काम कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, हर दिन सब कुछ कंप्लीट हो जाए ये पॉसिबल नहीं, बट अपने प्रायोरिटाइज वर्क को करने के बाद एस्टिमेट टास्क को कट भी किया जा सकता है, और वो तभी हो सकता है जब आप पहले मुश्किल काम चूज करेंगी। अपनी लिस्ट में ईजी चीज़ें लिख के उन्हें कर लेने से आप फ्री फील नहीं कर सकती, सो डू टफ थिंग्स फर्स्ट। डेली मेरी प्रायोरिटी लिस्ट जो भी हो, लेकिन उस दिन उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं जिस दिन मुझे YouTube वीडियो रेडी करनी होती है। सो अकॉर्डिंग टू डेज आप ही की तरह मेरी वर्क प्रायोरिटीज भी चेंज होती रहती हैं। लेकिन एक बार फिर से कहूंगी, हमारी पूरी लाइफ काम करते हुए गुजर जाएगी, जिनमें से कभी कुछ मुश्किल होगा और कभी कुछ आसान, लेकिन जब तक जान रहेगी ये सब चलता ही रहेगा। और ये सब कुछ अच्छे से चलता रहे उसके लिए अपनी प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को बनाएं, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ है जो खो जाए तो वापस मिल भी सकता है, बट हेल्थ एक बार खराब हो जाए तो वापस नहीं मिलेगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।